हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में चैप्टर मैंने आपको नंबर 2 में 2.1 करवाया। 2.1 को सिर्फ एक वर्ड में बोलना हो तो एक वर्ड है क्रॉस प्रोडक्ट। टू पॉइंट वन में हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया और सारे सम्स क्रॉस प्रोडक्ट के हमने किए। क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। आज हमको 2.2 करना है और उसका नाम है रिलेशन। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें से आगे जाके हम आज रिलेशन पढ़ने वाले। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 2.3 फंक्शन, जिसमें रिलेशन में आगे जाके हम फंक्शन पढ़े। आज का टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो आप एकदम ध्यान से पढ़ना। अगर जरूरत पड़े तो एक और बार लेक्चर फिर से देखना, जरूरत पड़े तो। रिलेशन हल्का सा टफ टॉपिक है, जरूरत पड़े तो आप ये लेक्चर दो बार देख लें। ऐसे 99% केस में पहली बार में क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाय चांस जरूरत पड़े तो सेकंड टाइम देख। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल टू 5, 8, 10, 13, 5, 8, 10, 13। बी इक्वल टू 4, 9, 11। अभी हमको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी, नवनीत, ए क्रॉस बी में पेयर्स कितने आएंगे? 12 तो ये 12 पेयर्स मैं लिखने वाला हूं, 5 सबके साथ, 5, 4, 5, 9, 5, 11, 8 सबके साथ, 8, 4, 8, 9, 8, 11, 10 सबके साथ, 10, 4, 10, 9, 10, 11, 13 सबके साथ, 13, 4, 13, 9, 13, 11। ये हो गए आपके 12 पेयर्स। ए क्रॉस बी कंटेन्स 12 पेयर्स। अभी ये जो ए क्रॉस बी में जो 12 पेयर्स है वो 12 पेयर्स में आपको रिलेशन सिखाने वाला हूं। रिलेशन इसके ऊपर से हम सीखने वाले। यहां पर आपका फर्स्ट रिलेशन हम ड्रॉ करने वाले हैं, ए टू बी। ये आपका बनने वाला है रिलेशन वन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन वन फ्रॉम ए टू बी। फिर यहां पर हम एक और रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन टू फ्रॉम ए टू बी। एक और रिलेशन यहां पर बनाएंगे, रिलेशन थ्री फ्रॉम ए टू बी। अब ये रिलेशन बनाने के लिए रिलेशन आर वन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर वन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर टू फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर थ्री फ्रॉम ए टू बी। चलो नवनीत, ये ए के एलिमेंट्स कौन से हैं आई वेट 10, 13 वो हम फर्स्ट में लिखेंगे, वो हम फर्स्ट में लिखेंगे, वो हम फर्स्ट में लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स कितने हैं, कौन से हैं, 4, 9, 11 वो हम सेकंड में लिखेंगे, वो हम सेकंड में लिखेंगे, वो हम सेकंड में लिखेंगे।
अब नवनीत तुम्हें ये जो ए क्रॉस बी है ना, उसमें जिसमें 12 पैर है, उसमें से रैंडमली तुम 4 पैर वाला एक सबसेट बोलो, रैंडमली 4 पैर्स वाला एक सबसेट बोलो। ओके 5 4 5 4 5 11 5 11 8 9 8 9 13 4 13 4 तो आप देख सकते हो नवनीत ने इसमें से ये जो 12 पैर्स है, ये जो 12 पैर्स है उसमें से एक सबसेट बोला जिसको मैंने लिखा रिलेशन 1 which contains 4 pairs, relation 1 which contains 4 pairs. So 5 4 5 11 8 9 13 4 ये आपका आ गया 13 4. तो ये जो relation है जिसमें 4 pairs है, ये आप Venn diagram देख सकते हैं जिसमें 4 arrows है, वो आपका relation 1 हो गया. अब हम relation 2 लिखते हैं. चलो रिलेशन टू, नवनीत तुम टू पेयर्स वाला एक काम करो, 3 पेयर्स वाला रिलेशन बोलो. 3 पेयर्स चाहिए मुझे, तुम्हें पेयर्स हमेशा ए क्रॉस बी में से लेनी है. 5 9 5 9 8 4 चलो एक मैं लिखता हूँ और 10 4. तो ये हमने रिलेशन टू लिखा जिसमें 3 पेयर्स 5 9 8 4 और 10 4. ये आपका हो गया रिलेशन टू विच कंटेन्स 3 पेयर्स. रिलेशन 3, चलो नौनी तुम रिलेशन 3 के लिए 6 पेयर्स बोलो, और जितने भी पेयर्स बोलो उसमें 6 पेयर्स बोलो, उसमें तुम 9 को इंक्लूड मत करना. मेरी ऐसी इच्छा है कि 9 को इंक्लूड मत करो, मैं 6 पेयर्स बोलिए. ओके तो 5 4 5 4 5 11 5 11 13 4 13 4 8 4 8 4 10 11 10 10 11 10 4 तो ये आ गया 10 4. तो अब देखते हैं काउंट करते हैं कितनी पेयर्स नवनीत ने बोला है. 1 2 3 4 5 6 6 पेयर्स नवनीत ने बोले. अब मैं उसको फिगर बनाता हूँ. 5 4 5 11 13 4 8 4 10 11 and 10 4 बराबर है नवनीत? हाँ. अभी ये जितने रिलेशन है तो यहाँ पर टोटल रिलेशन कितने बन पाएंगे, मतलब इस तरह के वेन डायग्राम आर वन आर टू आर थ्री ये सब अलग अलग वेन डायग्राम है, तो टोटल वेन डायग्राम कितने बनेंगे उसका खाली आंसर बोलो नवनीत. यहाँ पर टोटल इस तरह के वेन डायग्राम्स ये रिलेशन कितने बनेंगे उसका आंसर बोलो, स्टूडेंट सरप्राइज होना चाहिए. 2 रेस्ट टू 12. हाँ नवनीत ने बोला 2 रेस्ट टू 12. 4096. OMG. Oh my God. यहाँ पर टोटल 4096 रिलेशन बनने वाले हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन है R1, ये जो रिलेशन है R1, वो A क्रॉस B का सबसेट है. ये जो रिलेशन है वो भी A क्रॉस B का सबसेट है. ईच रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. तो मैंने यहाँ पर लिखा रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. आप चाहे R1 ले लो, चाहे R2 ले लो, R3 ले लो, वो A क्रॉस B का सबसेट. ये जो R है ना वो हमने रियल नंबर के नहीं लिखा है, ये R रियल नंबर के लिए नोटेशन नहीं लिखा है, दिस इज फॉर रिलेशन. तो रिलेशन R सबसेट ऑफ A क्रॉस B. अगर आप देखेंगे तो टोटल सबसेट्स हो जाएंगे, टोटल सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेस टू n A क्रॉस B. तो ये आ जाएगा 2 रेस टू 12. ये आपका हो जाएगा 4096. ओ माय गॉड, देयर आर 4096 रिलेशन. अनबिलीवेबल. हमको तो लग रहा था कि 15 20 या ज्यादा से ज्यादा 25 30 या 300 400,
रिलेशन होंगे, पर ये तो 4096 रिलेशन है। एक्चुअली जैसे ये जो एरो है 59, उसको 511 से कनेक्ट कर दो तो इट्स अ न्यू रिलेशन। अगर ये 104 है उसको 1011 से कनेक्ट कर दो तो इट्स अ न्यू रिलेशन। ये 89 है उसको चेंज करके 811 कर दो तो रिलेशन बदल जाएगा। तो इस तरह के अलग अलग रिलेशन देखने जाएंगे, उसमें एकाध एरो भी इधर उधर हो जाए या एकाध एरो इंक्रीज हो जाए, एकाध एरो इंक्रीज हो जाए तो रिलेशन चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 5 को 4 से कनेक्ट कर दिया, तो 5 को 4 से कनेक्ट कर दिया तो इसमें एक और पैर ऐड हो जाएगा। अभी 3 पैर, अगर मैं 5 को 4 से कनेक्ट करता हूँ तो इसमें 4 पैर हो जाए तो इट्स अ न्यू रिलेशन। तो इस तरह एकाध एरो इंक्रीज होगा या डिलीट होगा या चेंज होगा, इट विल गिव न्यू रिलेशन। अभी हमने ये 3 रिलेशंस देखे। अब एक नया वर्ड आपकी जिंदगी में पहली बार आने वाला है और वो वर्ड नवनीत से बुलवाएंगे। नवनीत, ये जो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। जो फर्स्ट एलिमेंट है 5, 8, 13, इट इज कॉल्ड डोमेन। तो ये हो गया 5, 8, 13, ये आपका डोमेन हो गया। डोमेन तो ये जो हो गया मैंने लिखा है 5, 8, 13, वो आपका डोमेन हो गया। एक काम करता हूँ, ये जो R1, R2, R3 रिलेशन है उसको एक नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ और फिर बाद में डोमेन क्या है वो समझाता हूँ। लिखने से पहले बोल दूं, ये यहाँ पर डोमेन 5, 8, 10 है और यहाँ पर डोमेन 5, 13, 8, 10। तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका डोमेन। तो डोमेन नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। चलो नवनीत, ये जो तुम्हें ऊपर R1 दिख रहा है बराबर? यस। तो उसके लिए हम डोमेन लिखते हैं। डोमेन तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से है? 5, 8, 13। तो 5, 8, 13 ये R1 के लिए हो गया। R1 के लिए ये हो गया डोमेन। चलो अभी मैं R2 दिख रहा है ऊपर, R2 दिख रहा है? R2 के लिए डोमेन क्या होगा? 5, 8, 10। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है जहां पर मैंने डॉट कर रखा है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज योर डोमेन। सो 5, 8, 10, ये 5, 8, 10 हो। फिर ये R3 दिख रहा है तुम्हें अब? यस। तो R3 का डोमेन बोलो। 5, 13, 8, 10 तो हो गया डोमेन। अब एक सवाल अपने आप मन में आ जाता है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है तो सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या होगा? तो उसके लिए कौन सा वर्ड है नवनीत? सेकंड एलिमेंट के लिए कौन सा वर्ड है? रेंज। तो सेकंड एलिमेंट हो जाएगा हमारा रेंज। अब हम रेंज, तो सेकंड एलिमेंट हमारा रेंज हो जाएगा। R1 जो है उसके लिए रेंज होगा, रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट। तो तुम्हें ऊपर नवनीत ऊपर R1 दिख रहा है ना, उसका सेकंड एलिमेंट रीड करो। 4, 11, 9, 4 4, 11, 9 जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट R2 के लिए, रेंज बोलो। 9, 4 R2 के लिए रेंज होगा 9, 4। वेरी गुड। अब R3 है उसका सेकंड एलिमेंट बोलो। 4, 11 ओहो 4, 11 ही है। तो 4, 11 ये हो गया आपका रेंज। ओके, तो ये जो चीज है वो यहाँ पर डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में आप देखेंगे तो भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जिसमें से एरो निकल रहा है
वो आपका डोमेन है। तो 5 में से निकला एरो, 8 में से निकला और ये 13 में से निकला। ये जो 10 है, ये जो 10 है उसमें से कोई एरो नहीं निकल रहा है, इससे डोमेन में खाली 5 8 13 आया। यहाँ पर 5 8 10 उसमें एरो निकल रहा है, वो आपका डोमेन आ गया। यहाँ पर 5 8 10 13 सब में से एरो निकल रहा है, जो आपका डोमेन आ गया। और एरो जिसके पास पहुंचता है, एरो जिसके पास ज्वाइन होता है बी में से, वो आपका रेंज है। यहाँ पर 4 9 11 वो आपका रेंज है। यहाँ पर 4 9 सिर्फ 4 एंड 9 उसके पास एरो पहुंचता है, 4 9 आपका रेंज है। और यहाँ पर 4 9 11 वो आपका ये जो R3 है, R3 उसमें 4 9 सॉरी R3 में आप ध्यान से देखो, 4 के पास एरो जा रहा है, बाद में 11 के पास एरो जा रहा है, और ये 9 है ना उसके पास कोई एरो नहीं जा रहा है, तो रेंज में आएगा 4 एंड 11, 4 एंड 11। क्लियर है ना अमित? यस। अच्छा अब एक और चीज, तीनों फिगर में अब ध्यान से देखना, एक नया वर्ड है। चलो नवनीत, ये मैंने डोमेन समझा दिया, रेंज समझा दिया, अब मैं कौन सा वर्ड बोलने वाला हूँ? कोडोमेन। कोडोमेन, एक नया वर्ड कोडोमेन। कोडोमेन के लिए कोई लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक। ये एरो के बाद जो लिखा है बी, मतलब ये पूरा 4 9 11, ये पूरा 4 9 11, ये तीनों रिलेशन में R1 R2 R3 तीनों रिलेशन में जो सेकंड सेट है 4 9 11, वो आपका कोडोमेन, वो आपका कोडोमेन। तो आपका कोडोमेन हो गया 4 9 11। अभी आपको ये कोडोमेन, रेंज और डोमेन, ये तीनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल फिर से एक बार ले देता हूँ, पर उसके पहले फिर से बोलता हूँ, ये जो सेकंड एलिमेंट है, ये जो सेकंड एलिमेंट है बी 4 9 11, वो आपका कोडोमेन, वो आपका कोडोमेन 4 9 11, वो आपका कोडोमेन। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से एक और बार देखना, एक और एग्जांपल। इसके अंदर आपको डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ये तीनों चीज ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन वर्ड के लिए आर लिखा हुआ है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बस इतने से चार एरो बनाए हैं, अगर चार एरो बनाए तो 4 पेयर्स आएंगे। तो अब रिलेशन की 4 पेयर्स, नवनीत तुम बोलो, सिर्फ 4 पेयर्स। 5 2 5 3 5 2 5 3, 8 4 8 4, 13 4, और ये 13 4। अगर हम रिलेशन की पेयर्स लेंगे तो रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पर अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो 35 पेयर्स आए, वो 35 में से मैंने 4 पेयर्स लिए। सो आवर रिलेशन आर इक्वल टू 4 पेयर्स एंड रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या हम अगर हम सारे के सारे पेयर्स ले लेते हैं तो रिलेशन बन पाता? नवनीत, टोटल अगर 35 पेयर्स है, अगर हम सारी की सारी पेयर ले लेंगे रिलेशन पॉसिबल है, यस और नो? यस यस। तो वो जो रिलेशन बनेगा उसमें 35 पेयर्स आएगी, दैट इज योर ए क्रॉस बी। जैसे जैसे आगे वाला सम था, ये वाला जो सम था उसमें ए क्रॉस बी में 12 पेयर्स, ए क्रॉस बी में 12 पेयर्स है। तो मैंने यहाँ पर फोर्थ रिलेशन मैंने लिखा R4 इक्वल टू A क्रॉस B।
तो ये जो रिलेशन है जिसके अंदर सब पेयर्स आ जाएगी, सब पेयर्स आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ए में मेंबर्स है, ये ए और ये बी। तो ये जो आगे वाला एग्जांपल था, आगे वाले एग्जांपल में ए में मेंबर्स है, ऊपर आपको दिख रहा है 5, 8, 10, 13, और बी में मेंबर्स है 4, 9, 11। तो 5, 8, 10, 13, 4, 9, 11। अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो सारे की सारी पेयर्स आ जाएगी, तो टोटल 4, 3, 12 एरोस निकलेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये आपका बन गया वेन डायग्राम जिसके अंदर सारी पेयर्स आ जाएगी। एक और ख्याल मेरे मन में आ रहा है नोरित, जैसे यूनिवर्सल रिलेशन लिखा, एक और ख्याल मेरे मन में आ रहा है, तुम्हारे मन में आ रहा है क्या? एम्प्टी रिलेशन। नोनी ने एक वर्ड बोला एम्प्टी रिलेशन, जिसमें एक भी पैर नहीं होगी, एम्प्टी रिलेशन, दैट इज नल सेट। नल सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा नल सेट जिसमें जिसमें ए टू बी रिलेशन तो फॉर्म होगा, विच इज कॉल्ड नल रिलेशन, नल रिलेशन। तो उसमें 5, 8, 10, 13, 4, 9, 11। तो यहाँ पर 5, 8, 10, 13 में से एक भी एरो नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर पैर नहीं है, ये आपका नल रिलेशन। नल रिलेशन में एक भी पैर नहीं होगी, तो R5 आपका नल रिलेशन होगा, यहाँ से एक भी एरो नहीं निकलेगा। तो ये हो गया R5, ये हो जाएगा आपका नल रिलेशन, एक भी पैर नहीं है। तो इसमें डोमेन हो जाएगा नल सेट, रेंज हो जाएगा नल सेट। और जैसे मैंने बोला था कोडोमेन को इन सबसे को लेना देना नहीं है, कोडोमेन को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। कोडोमेन तो सिंपल कि एरो के बाद जो लिखा है वो आपका कोडोमेन। तो 4, 9, 11 आपका कोडोमेन। ये जो सेट है 5, 8, 10, 13 पूरा ए, उसके लिए इन लोगों ने कोई नाम क्लैरिफाई नहीं किया है। ये जो ए है 5, 8, 10, 13 उसके लिए उन लोगों ने कोई नाम क्लैरिफाई नहीं किया है, पर ये एरो के बाद जो बी है 4, 9, 11 वो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन आपका बी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये जो हमने एक्स्ट्रा एग्जांपल लिया था ये वाला, ऐसे अब तक हमने दो एग्जांपल समझा है, दोनों एक्स्ट्रा एग्जांपल है, वो मैंने आपको समझाने के लिए खुद से फॉर्म किया है। बाद में हम ये एग्जांपल खत्म करके 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो नवनीत, तुम यहाँ पर ये वाला जो एग्जांपल है ना, उसमें तुम अपने हिसाब से डोमेन समझा दो, रेंज समझा दो एंड कोडोमेन समझा दो। डोमेन रेंज एंड कोडोमेन बाद में मैं वापस समझाता हूँ। लास्ट एग्जांपल में दो सर्कल बनाए हमने 5, 8, 13, 17, 20 जो कि ए है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो कि बी है। अभी हमारा रिलेशन बन रहा है, चार पेयर लिए हमने 5, 2, 5, 3, 8। इसमें जो पहला मेंबर होता है वो ए से होता है, तो जो पहले मेंबर से सेट बनता है वो होता है हमारा डोमेन। यानी इसमें अगर मैं देखूँ तो 5, 5, 8, 13, तो 5, 8, 13 हमारा डोमेन बनेगा, और उसका जो आंसर होता है यानी 2, 3, 4, 4 यानी 2, 3, 4 हमारा रेंज बनेगा। तो ये पहला मेंबर हमारा डोमेन और दूसरा बनता है उसके साथ वाला रेंज। अभी कोडोमेन जो है वो एक बदमाश खिलाड़ी है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब से। वो एरो से राइट वाला जो होता है वो पूरा कोडोमेन होता है, यानी आर फ्रॉम ए टू बी अगर मैं पढ़ू तो उसमें जो बी है वो पूरा का पूरा कोडोमेन है। वेरी गुड, नवनीत ने एकदम बराबर समझाया कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका डोमेन है। तो आपका डोमेन आपका बन गया 5
8, 13. तो आप देख सकते हो कि डोमेन वी हैव टेकन 5, 8, 13 विच इज सबसेट ऑफ ए, विच इज सबसेट ऑफ ए, डोमेन आपका ए का सबसेट है. अगर यहाँ जितने मेंबर्स है, अगर यहाँ जितने मेंबर्स है सब में से एक एक एरो निकलता, ये 17 और 20 उसमें से भी एक एक एरो निकलता, तो फिर डोमेन में वो भी आ जाता, तो डोमेन इक्वल टू ए हो जाता. जो अभी जो सिचुएशन है उसमें 5 में से एरो निकल रहा है, 8 में से एरो निकल रहा है, 13 में से एरो निकल रहा है, तो ये 5, 8, 13 डोमेन में 3 एलिमेंट्स. लेकिन 17, 20 में से भी एरो निकलता तो डोमेन और ए इक्वल हो जाता. इन दिस सिचुएशन, इन दिस फिगर, डोमेन 5, 8, 13 इज सबसेट ऑफ ए. नेक्स्ट रेंज, जो रेंज है वो ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, 5, 2, 3, 4, 4. तो रेंज हो जाएगा हमारा 2, 3, 4. एकदम सिंपल देसी लैंग्वेज में समझते हैं तो ये एरो जिसके पास जा रहा है, ये जो है 2, 3, 4, ये एरो जिसके पास जा रहा है, ये जो 2, 3, 4 है वो आपका रेंज. रेंज आपका हो जाएगा, रेंज आपका हो जाएगा 2, 3, 4, विच इज रेंज इज सबसेट ऑफ बी. अगर रेंज के अंदर सारे मेंबर कवर हो जाते हैं, रेंज के अंदर सारे मेंबर कवर हो जाते हैं, अगर 1, 5, 6, 7 वो भी रेंज में कवर हो जाते हैं, तो रेंज इक्वल टू बी हो जाता है. तो रेंज इज सबसेट और इक्वल टू बी. डोमेन इज सबसेट और इक्वल टू ए. यहाँ पर डोमेन 5, 13 सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर रेंज सबसेट ऑफ बी. अभी हम बात करते हैं कोडोमेन. तो जैसे नवनीत ने बोला, कोडोमेन एक बदमाश खिलाड़ी है, उनको ये डायग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता. सिंपल, ये एरो के बाद जो बी है, ये एरो के बाद जो बी है वो आपका कोडोमेन है. तो कोडोमेन अंदर ये पूरा आ जाएगा, कोडोमेन आपका बी हो जाएगा. ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ क्लियर है. अगर आपको ये वाली सिचुएशन में पूछा होता कि टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, सो यू विल बी सरप्राइज, टोटल सबसेट बनेंगे 2:35, क्योंकि ए क्रॉस बी में 35 पेयर्स आएगी. सो 2:35, कैन यू विजुलाइज, 2:35, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 35 टाइम्स. तो इट विल बी ह्यूज ह्यूज आंसर. ये वाला सम कर रहे थे, ये वाला उसमें भी मैंने आपको बोला कि 2:2 ए क्रॉस बी, दैट इज 2:12, 4096 रिलेशन है, 4096 रिलेशन है. अभी हमने जितने भी फिगर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने भी फिगर आपको दिख रहे हैं, सब में रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी है, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी. अगर इस तरह का कोई फिगर होता 5, 12, 20, 5, 12, 20, तो अभी आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि दोनों साइड 5, 12, 20 है. तो ये हो जाएगा रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. एरो के पहले भी 5, 12, 20 है, एरो के बाद भी 5, 12, 20 है. बाकी जो रूल है वो ये पेयर्स वो क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहेगा. अगर मैंने यहाँ पर 5 को 12 से कनेक्ट किया तो ये जो रिलेशन है उसमें सिर्फ एक पेयर आएगा, 5, 12, 5, 12, एक ही पेयर आएगा, सिंगलटन सेट, जिसमें आपका डोमेन होगा सिर्फ 5, रेंज होगा सिर्फ 12 एंड कोडोमेन होगा 5, 12, 20. ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है उसमें डोमेन में सिर्फ 5 आएगा, 5, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है. रेंज में सेकेंड एलिमेंट आएगा, सेकेंड एलिमेंट वो आपका 12 है. तो रेंज में सिर्फ एक मेंबर आएगा 12, और कोडोमेन में तो
एरो के बाद वाला पूरा, ये पूरा जो दिखा रहा हूँ वो आपका कोड मेन हो जाएगा। अभी ये कंसेप्ट को ध्यान में ले रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और बात हम नोटिस करते हैं कि जितनी भी पेयर्स बन रही है, जैसे कि हम ये पेयर देखते हैं 8 9, ये पेयर देखते हैं 8 9, तो 8 9 जो रिलेशन वन में प्रेजेंट है, 8 9 जो रिलेशन वन में प्रेजेंट है उसमें आप देख सकते हो 8 9 यहां पर भी प्रेजेंट है, ये रहा 8 9, ये 8 9 यहां पर भी प्रेजेंट है। तो जो 8 है, 8 जो है वो A को बिलोंग करेगा और जो 9 है वो B को बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है कि आपका 8 9 अगर A क्रॉस B में प्रेजेंट है तो 8 A को बिलोंग करेगा और ये 9 B को बिलोंग करेगा, 9 B को बिलोंग करेगा। तो अगर ये मैंने जो लिखा है उसको जनरलाइज करते हैं, 8 9 के बदले XY लिखते हैं, अगर हम 8 9 के बदले XY लिखते हैं, XY belongs to relation. अब जो भी relation होगा उसका जो भी pair है वो obviously A cross B में present होगा, तो X belongs to A and Y belongs to B हो जाए। अगर आपका relation, from A to A है, A to A, तो आपका फिर वो हो जाएगा XY belongs to A cross A क्रॉस A, तो X belongs to A, Y belongs to A। ये जो ऊपर वाला रिलेशन है, जो ये वाला पहले वाला रिलेशन है उसका एक छोटा सा फिगर बना दूं, तो यहाँ पर A आएगा आपका, यहाँ पर आपका B आएगा, रिलेशन A to B आएगा, यहाँ पर X, यहाँ पर Y, तो ये आपका रिलेशन बनेगा A to B। और ये अगर इसकी बात करते हैं रिलेशन फ्रॉम A to A, तो यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर भी A आएगा, ये x, ये y, तो x y जो है वो a क्रॉस a को बिलोंग करेगा। अब ये सब जो हमने आपको समझाया उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और 2.2 स्टार्ट करते हैं। टू पॉइंट टू में सबसे पहले करते हैं सम नंबर 7। तो 7 सम में नवनीत रीड करो तो टेक्स्ट बुक में से एट द रिलेशन आर इक्वल टू इनसेट ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा एक्स क्यूब वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब, फिर अंदर लिखते हैं एक्स इज प्राइम लेस देन 10, तो एक्स इज प्राइम लेस देन 10, प्राइम लेस देन 10, ये हमारा प्रॉपर्टी मेथड है। अभी हमको एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, तो नवनीत प्राइम नंबर लेस देन 10 बोलो तो प्राइम नंबर लेस देन 10 2, 3, 5, 7। नवनीत ने जो नंबर बोला वो मैंने फर्स्ट डिजिट रखा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट डिजिट 2, 3, 5, 7। अब मुझे ये जो x है उसके बाजू में क्यूब करना है, तो ये 2 क्यूब तो वो 8 हो जाएगा, 3 क्यूब तो वो 27 हो जाएगा, 5 क्यूब तो 125 हो जाएगा, फिर ये आएगा 7 क्यूब 7 × 7 × 7, तो ये हो जाएगा आपका 343। तो यहाँ पर हो जाएगा 343, तो यहाँ पर टोटल 4 पेयर्स आ गए हमारे पास। ये खाली आपको समझाने के लिए मैंने वर्टिकल पेयर्स लिखे, वर्टिकल लिखना हॉरिजॉन्टल लिखा वो आपकी मर्जी की बात है, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ जो आपको कन्वीनियंट हो। 2 बाजू में क्यूब, 3 बाजू में क्यूब, 5 बाजू में क्यूब, 7 बाजू में क्यूब, तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा रिलेशन आर, जिसमें आप देख सकते हो कि फोर पेयर्स है। अभी हमें और कुछ पूछा है नवनीत? नो सर। ओके, तो इसमें खाली इतना पूछा था कि रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग मेथड में आपको लिखना है। तो ये लिस्टिंग मेथड मतलब आपको एलिमेंट लिस्ट करना है। लिस्टिंग और रोस्टर वो दोनों सिनोनिम है। अगर आपको पूछा होता कि डोमेन क्या होता, तो इसका डोमेन हो जाता फर्स्ट एलिमेंट 2, 3, 5, 7 और इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो आपका रेंज हो जाता, तो रेंज हो जाता 8, 27, 125, 3, 48। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन और रेंज हो गया। यहां पर अगर पूछा होता कोडोमेन, तो कोडोमेन में पूरा रियल नंबर पूरा आ जाता, सब रियल नंबर्स आ जाता, क्योंकि ये जो सेकंड एलिमेंट है वो भी हमको रियल नंबर लेना है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो कोडोमेन है वो कोडोमेन के बारे में अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है x, x क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, तो कोडोमेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें खाली डोमेन बताए और उसका रेंज बताए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम नंबर 6। नवनीत 6 डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारी जो ऑर्डर पर बनने वाली है उसका फर्स्ट एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब x में 5 ऐड करना है, तो 0 प्लस 5 1 प्लस 5, ये 2 में 5 ऐड करना है 2 प्लस 5, ये 3 में 5 ऐड करना है 3 प्लस 5, 4 में 5 ऐड करना है, ये आपका 4 है और बाद में आपको 4 में 5 ऐड करना है, तो आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो ये आपका इतना छोटा सा सम। अब मैं आपको समझाने के लिए वर्टिकल पैस लिखता हूँ, बाकी आपको हॉरिजॉन्टल लिखना हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10। तो ये आपका हो गया रिलेशन आर जिसमें 6 पेयर्स हैं। और हमें क्या क्या पूछा है नवनीत, इसमें क्या पूछा है? डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो तुम समझाओ, मैं लिखता हूँ। डोमेन यानी पहला एलिमेंट रिलेशन का, तो है 0, 1, 2, 3, 4, 5। रेंज, रेंज इज द आंसर और सेकंड एलिमेंट, सो आंसर इन द रिलेशन इज 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया हमारा रेंज 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी हमने ये सम सॉल्व किया, 6 किया, उसके पहले 7 किया, अभी सम नंबर 2। नवनीत सम नंबर 2 डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर्स बाय आर इक्वल्स टू x कॉमा वाई वेयर वाई इक्वल टू x प्लस 5, x इज अ natural number less than 4, xy belongs to n. Depicts okay. The relationship using roster form, write down the domain and the range. Abhi Navneet jo read kiya usme likha hua hai relation r is on n,
रिलेशन आर इज ऑन एन. सो आर फ्रॉम एन टू एन, तो ये आपका रिलेशन होगा एन टू एन. तो हमारा जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर में से आएगा और जो रेंज है वो भी नेचुरल नंबर में से आएगा. अब क्वेश्चन में उन लोगों ने फॉर्मूला मेंशन है, उसमें लिखा हुआ है रिलेशन आर कंटेन्स ऑर्डर पेयर एक्स वाई. रिलेशन आर कंटेन्स ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, ये जो लिखा उसको बोलते सच दैट रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव. एक और बार क्वेश्चन में मेंशन है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन फोर. सो एक्स इज लेस देन फोर, एक्स इज लेस देन फोर एंड एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर. एक्स इज लेस देन फोर एंड एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर. चलो नोनी एक्स लेस देन फोर, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या आएगा? 1, 2, 3. अब सेकेंड एलिमेंट ये रहा, 5 ऐड करना है. 6, 7. तो सेकेंड 1 + 5, 2 + 5, 3 + 5, ये होगा हमारा सेकेंड एलिमेंट. तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2, 3 वो हमारा डोमेन हो गया. जो डोमेन हो गया 1, 2, 3, जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारा रेंज हो गया. रेंज हो गया 6, 7, 8. हमारा इसमें रोस्टर फॉर्म हो गया ये वाला. ये जो हमारा बॉक्स है वो आपका रोस्टर फॉर्म का आंसर है जिसमें एलिमेंट्स हम लिस्ट करते हैं. ये हो गया रोस्टर फॉर्म. फिर ये हो गया डोमेन, ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया. अगर अगर नवनीत की बात याद करते हैं तो कोडोमेन एक बदमाश खिलाड़ी है जिसको ये सब फॉर्मूला के साथ कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पर देखने का आपको एरो के बाद जो लिखा है सेकेंड, ये आपका कोडोमेन, ये आपका कोडोमेन. तो पिछले दो सम से उसमें कोडोमेन पता नहीं चल रहा था, पर यहाँ पर तो लिखा हुआ है रिलेशन आर इज ऑन एन. हम लिख सकते हैं एन टू एन, एरो के बाद वाला एन आ गया तो हमारा कोडोमेन हो. ये सम में आपको डोमेन भी क्लियर है, रेंज भी क्लियर है और कोडोमेन भी क्लियर. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम नंबर 4. नवनीत फोर्थ सम. फिगर गिवन है, क्वेश्चन में फिगर गिवन है. बोलो फिगर में किसको किससे कनेक्ट किया है? फाइव सिक्स सेवन और सामने 3, 4, 5. 5, 3 क्वेश्चन में गिवन है, 6, 4 भी गिवन है, 7, 5 भी गिवन है. तो ये जो फिगर है वो क्वेश्चन में गिवन है. तो योर रिलेशन इज रिलेशन आर फ्रॉम पी टू क्यू. रिलेशन आर फ्रॉम 5, 6, 7 to 3, 4, 5. अब इसकी जो पेयर्स है वो मैं फिगर में देख के लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, फिगर में देख के लिख रहा हूँ. 5, 3 के साथ जा रहा है तो 5, 3. 6, 4 से कनेक्टेड है तो 6, 4. 7 इज रिलेशन विद 5 सो 7, 5. ये हमारा हो गया रिलेशन. और क्वेश्चन में लिखा है किसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया.
ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। बाद में ऐसा भी पूछा हुआ है कि सेट बिल्डर फॉर्म दैट इज प्रॉपर्टी फॉर्म, तो उसमें लिखना है कि हमने लिखा रोस्टर फॉर्म में जिसमें हमने पेयर्स लिस्ट कर दी। अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। नवनीत ये 5, 6, 7 और ये 3, 4, 5, उसमें ये 5 है फिर यहाँ पर 3 आ रहा है, ये 6 है फिर यहाँ पर 4 आ रहा है, ये 7 है यहाँ पर 5 आ रहा है, तो तुम्हें क्या कोई खास कनेक्शन नजर आ रहा है? डिफरेंस इज 2। हाँ 5 में से 2 लेस करो 3 आएगा, 6 में से 2 लेस करो 4 आएगा, 7 में से 2 लेस करो 5 आएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं x और फिर बाद में उसमें से 2 लेस कर देने एंड x इक्वल टू 5, 6, 7। बहुत ही आसान सा आंसर ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका दूसरा नाम है प्रॉपर्टी फॉर्म। अगर आपको ये आंसर नहीं लिखना हो ये एक आंसर भी ऑप्शन में लिख सकते हैं आप, रिलेशन r इक्वल टू एक्स वाई, ये जो x माइनस 2 है उसको तो y लिखा, सो y इक्वल टू x माइनस 2 एंड x x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू 5, 6, 7, x बिलोंग्स टू 5, 6, 7, x इसमें से लेना है फिर उसमें से 2 लेस करना है तो आपका ये आ जाए, x इसमें से लेना है फिर उसमें 2 लेस करना है तो आपका ये आ जाए, हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। बीजू से पूछे नवनीत, सेट बिल्डर पूछा है और पूछा है रोस्टर, और क्या पूछा है? डोमेन एंड रेंज। डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होगा? पेयर में आगे वाला नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर वो आपका डोमेन है, ये हो गया 5, 6, 7। रेंज क्या होगा? सेकंड वाला नंबर, ये आपका सेकंड वाला नंबर 3, 4, 5। और पूछा नहीं है फिर भी अगर मैं स्टूडेंट को समझाने के लिए लिखूं तो कोडोमेन होगा, कोडोमेन होगा एरो के बाद वाला क्यू जो यहाँ पर 3, 4, 5 है, तो ये हो जाएगा 3, 4, 5। तो लकीली यहाँ पर डोमेन एंड रेंज मैच हो रहा है, सॉरी यहाँ पर कोडोमेन एंड रेंज मैच हो रहा है। अगर मुझे पूछा नहीं है फिर भी मैंने बोला कोडोमेन तो एरो के बाद क्यू है, जो एरो के बाद क्यू है वो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन आपका हो जाएगा 3, 4, 5, कोडोमेन आपका 3, 4, 5 हो जाएगा, 3, 4, 5 वो आपका कोडोमेन हो जाएगा, तो कोडोमेन एंड रेंज लकीली मैच हो रहा है। तो ये था हमारा सम नंबर 4। अभी हम देखते हैं सम नंबर 5। नवनीत A is 1, 2, 3, 4, 6 and R is defined as A, B where AB belongs to A, B is exactly divisible by A. क्वेश्चन में लिखा है R is relation from A to A. Relation R is from A to A. Relation R from A to A. अभी ऐसा लिखा होता रिलेशन R इज ऑन N तो हम लिखते R from N to N, अगर ऐसा लिखा होता R इज ऑन Z तो हम लिखते R from Z to Z, रिलेशन R from Z to Z, अगर ऐसा लिखा होता R इज ऑन R तो आपको पता चलना चाहिए ये R वो लोग बोल रहे रिलेशन के लिए और ये जो R है वो बोल रहे R to R, so relation R is from R to R, तो ये जो कॉलन है उसके पहले ये जो लिखा है वो आपका रिलेशन के लिए R लिखा हुआ है और ये जो लिखा है R R वो आपका रियल नंबर के लिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रिलेशन फ्रॉम A टू A। एक और बात, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है कि पैर ए बी, पैर ए बी वेर बी इज एग्जैक्टली
डिविजिबल बाय ए। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, जैसे ऐसा लिखा हो 428, तो 28 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 के टेबल में 28 आएगा, 4 के टेबल में 28 आएगा, 4 7 28। अगर ऐसा लिखा होता 429, तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि जो 29 है, 29 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो जो हम सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि ये 4 के टेबल में 28 आना चाहिए, तो ये बराबर है, 4 के टेबल में 29 नहीं आएगा तो ये बराबर नहीं है। अगर ऐसा लिखा होता 1065, तो ये सही नहीं है, क्योंकि 10 के टेबल में 65 नहीं आएगा, और 1070 लिखा होता ये सही है, बराबर। अगर 7010 लिखा होता तो वापिस ये गलत है, क्योंकि 70 के टेबल में 10 नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम ये सम करने वाले हैं। अब रिलेशन आर इक्वल टू ए बी, रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, एंड बी इज एग्जैक्टली divisible by A, B is actually divisible by A। ये साइड में जो भी वर्क किया है, साइड में जो भी वर्क किया है, वो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलो नवनीत, अगर हम ये रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितनी पेयर्स पॉसिबल है? अगर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया होता, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया होता तो मैक्सिमम कितनी पेयर्स पॉसिबल है? 25 क्यों? क्योंकि नवनीत ने सोचा कि अगर मैक्सिमम पेयर्स लेते हैं तो आपका ए क्रॉस ए बन जाए, ए क्रॉस ए, तो मैक्सिमम आपका पेयर्स बनेगा 1 2 3 4 6 क्रॉस 1 2 3 4 6। तो आज मुझे थोड़ी मजदूरी करने की इच्छा हो रही है, तो मैं थोड़ी मजदूरी करता हूँ और ए क्रॉस ए की 25 पेयर्स लिखता हूँ। बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने 25 पेयर्स लिखने की मजदूरी क्यों की। वन सबके साथ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, बाद में 2 सबके साथ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, बाद में 3 सबके साथ, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6, बाद में 4 सबके साथ, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6, बाद में 6 सबके साथ, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। तो ये मैंने 25 पेयर्स लिख दी। अब ये जो 25 पेयर्स है वो मैंने ए क्रॉस ए लिखा हुआ। अब मेरे लिए ये जो इस तरह का पैर है वो ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे कल इतना ही सोचना है कि जिस तरह 4 के टेबल में 28 आता है, 4 के टेबल में 28 आता है, 10 के टेबल में 70 आता है, उस तरह ये 1 है उसके टेबल में ये सारे नंबर आएंगे, 1 1 जा 1 2 जा 1 3 जा 1 4 जा 1 6 जा, फिर 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 3 के टेबल में 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 4 के टेबल में 4 1 जा 4, और कोई नहीं आएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 6 के टेबल में 6 1 जा 6, तो ये आएगा। ये जो मैंने टिक किया है सिर्फ उतनी पेयर्स हमारे आंसर में आएगी, तो भले थोड़ी मजदूरी करनी पड़ी पर जो हमारी एग्जैक्ट पेयर्स है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में और 6 के टेबल में, वो हमारे पास आसानी से आ गई। तो मैं इसमें से देखकर आंसर लिखता हूं, तो आपका आंसर आएगा रिलेशन आर, ये सब पेयर्स आएगी, 1 1 जा 1 2 जा 1 3 जा 1 4 जा 1 6 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6,
3 1 3 3 2 6 4 1 4 6 1 6। ये हमारा हो गया रिलेशन। तो ये रिलेशन मैंने ऊपर जो ए क्रॉस है उसमें देखकर लिखा है। अब मुझे आगे पूछा हुआ है राइट द रोस्टर फॉर्म, ये आ गया आपका रोस्टर फॉर्म। फिर पूछा है डोमेन और बाद में पूछा है रेंज। ये जो है ये आपका हो गया डोमेन, सॉरी ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब हमारा हो गया डोमेन। डोमेन में आपको फर्स्ट एलिमेंट लिखना है। फर्स्ट एलिमेंट सब में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 6। बाद में आपको रेंज लिखना है तो उसके लिए आपको सेकेंड एलिमेंट लिखना है। तो सेकेंड एलिमेंट में ये सारे कवर हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 6 ये आपका हो गया सेकेंड एलिमेंट। तो ये था हमारा सम नंबर 5। अभी सम नंबर 8, चलो नवनीत सम नंबर 8 तुम्हें इन लोगों को a इक्वल टू एक्स वाई जेड, b इक्वल टू 1 2। चलो तुम समझा दो फिर मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो तुम समझाओ। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। अभी a टू b का रिलेशन वो क्या होता है, वो हमने सर ने अभी पढ़ाया कि वो a क्रॉस b का सबसेट होता है। तो इसका मतलब है पहले a क्रॉस b चाहिए। तो a क्रॉस b में कितने मेंबर्स आएंगे, तो a क्रॉस b में मेंबर्स आएंगे नंबर ऑफ a इनटू नंबर ऑफ b, यानी 3 × 2 = 6। तो a क्रॉस b में भैया 6 मेंबर्स आएंगे, 6 पेयर आएगी। अभी उनके सबसेट्स कितने होंगे, तो उसके टोटल सबसेट आएंगे 2 raised to 6। तो हमारे टोटल रिलेशन जो है वो आएंगे 2 raised to 6। यहां पर हमें टोटल रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो टोटल रिलेशंस तो वो आएगा 2 raised to n a क्रॉस b। तो 2 raised to n a इंटू एन बी, तो 2 raised to 3 इंटू 2, सो दैट इज 2 raised to 6। 2 raised to 6 तो आपका हो जाएगा 64 रिलेशंस। टोटल रिलेशंस बनेंगे 64। ये सम का आंसर है 64। छोटा सा सम 2 raised to 6, 64 आंसर आए। काफी लोग ये जो आंसर है 64 आंसर उसको विजुलाइज नहीं कर पाते। इतना समझा के बाद भी उनको विजुलाइज नहीं होता है कि 64 आंसर कैसे पॉसिबल। तो उसमें से 64 में से 4 आंसर में दिख रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड 1 2, एक्स वाई जेड 1। ये रिलेशन जिसमें 3 पेयर्स आएंगे, ये रिलेशन जिसमें 4 पेयर्स आएंगे, ये रिलेशन जिसमें सिर्फ 1 पेयर आएगा, ये रिलेशन जिसमें सिर्फ 1 पैर आएगा। ये 4 अलग अलग रिलेशन है। मैंने एक पैर यहाँ पर बढ़ा दिया तो ये नया रिलेशन हो गया। एक पैर यहाँ पर बढ़ा दिया तो ये नया रिलेशन हो गया। अब मैंने इसको डिलीट करके इसके साथ ज्वाइन कर दिया तो ये नया रिलेशन हो गया। इस तरह से अलग अलग फिगर्स बनाए जाएंगे तो टोटल ए क्रॉस बी के 64 सबसेट्स आएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 64। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम नंबर 1। चलो मैंने सम नंबर 1 रेडी करो। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू डैश डैश 14। डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a टू a बाय r इक्वल्स टू x कॉमा y where 3x minus y equal to 0, xy belongs to a. Write down its domain, codomain and range. a
contains 14 numbers 1 से लेकर 14 तक. रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए. उसका मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा और जो सेकंड एलिमेंट आएगा दोनों ए से आएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14. अब यहां पर हमने फॉर्मूला लिखा है R इक्वल टू रिलेशन R इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई और 3x-y = 0. 3x-y = 0. अभी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए मतलब जो हमारा x है वो भी यहां से आएगा और जो हमारा y है वो भी यहां से आएगा. x और y दोनों a से लेने हैं. अब ये जो फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखिए. 3x-y = 0. फॉर्मूला को ध्यान से देखिए. 3x-y = 0 तो y 3x = y तो y = 3x ये हमारा फॉर्मूला है. y = 3x. तो जो भी x कोऑर्डिनेट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं x और ये जो y है y वो हमारा हो जाएगा 3x. ये हमारा 3x हो जाएगा. 3x ये हमारा 3x हो जाएगा. y = 3x. xy belongs to a. अब आप ध्यान से देखना. मैंने पहले यहाँ पर जो रिलेशन है उसमें पहले मैंने वन लिया, वन, फिर बाद में टू लिया, बाद आप देख सकते हैं कि ये जो x है उसके प्लेस में ये सारे नंबर लिए. अब ये x को 3 से मल्टीप्लाई करके बाजू में लिखना है. तो 3 1 3, 2 यहाँ पर रखेंगे, 3 2 6, 3 यहाँ पर रखेंगे, 3 3 9, 4 यहाँ पर रखेंगे, 3 4 12, 5 यहाँ पर रखेंगे, 3 5 15, 6 यहाँ पर रखेंगे, 3 6 18. अब मैंने आगे जाने का नहीं सोचा और जैसे 515 आया, 515 आया तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया. 618 आया तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया. नवनीत, ये जो लास्ट टू पेयर्स है उसको कैंसिल करके मैंने यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्यों स्टॉप कर दिया? प्रॉब्लम क्या हुआ? बस 15-18 जो है हमारे कोडोमेन में ही नहीं है. वेरी गुड. ये जो 15 और 18 है वो यहाँ पर आने तो चाहिए ना, क्योंकि हमारी बात हुई है. ये जो एक्स और वाई दोनों एलिमेंट ए में आने चाहिए, मतलब हमारा ये जो सेकंड मेंबर है वो सेकंड मेंबर ए में आना चाहिए. ये जो सेकंड मेंबर है 3 6 9 12 वहां तक बराबर है. 3 6 9 12 उसके बाद 15 आया, 18 आया, उसके आगे 21 आएगा. वो सब मेंबर्स यहाँ पर नहीं है तो हमें यहाँ पर आगे नहीं जाना है. सिर्फ हमको चार पैर मिलेगी, 1 3 2 6 3 9 4 12. बस हमें एग्जैक्टली 4 पेयर्स मिलेगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. तो हमारे पास सिर्फ 4 पेयर्स है और वो 4 पेयर्स में मेंशन करता हूँ. 1 3, बाद में 2 6 3 9 और ये आएगा 4,12. ये सिर्फ 4 पेयर आएगी. अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका डोमेन है, तो आपका डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 और आपका जो रेंज है वो रेंज हो जाएगा
3, 6, 9, 12 ये आपका रेंज हो जाए, तो डोमेन आ गया और हमारा रेंज आ गया। चलो नवनीत, अभी हमारा सिर्फ शायद से एक ही सम बाकी है, सम नंबर 9, नहीं नहीं एक और सम बाकी है, थर्ड एंड 9 बाकी। थर्ड सम, चलो उन्होंने रीड करो थर्ड सम। A is 1, 2, 3, 5 and B is 4, 6, 9. Define relation R from A to B by R equals to X comma Y, where the difference between X and Y is odd, where X belongs to A, Y belongs to B. Write R in roster form. Okay. So relation R is from A to B. Relation R is from A to B. हमारा जो रिलेशन है वो फ्रॉम ए टू बी है, ए और बी। अब इस बार हमको बोला हुआ है कि जो हमको इस तरह से पैर सिलेक्ट करनी है जिसमें एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए, तो आर इक्वल टू एक्स वाई, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, आर इक्वल टू एक्स वाई such that difference of x and y is odd, x और y का जो difference है वो odd होना चाहिए, x और y उसका difference odd होना चाहिए, x belongs to a, y belongs to b। नहीं तुम्हें अभी एक काम करना है, जैसे मैं इस तरह दिखाऊ ना 1, 1, 4 तो तुम्हें 1, 4 उसका difference आएगा -3, फिर तुम्हें बोलने का ऑड इस तरह से, तुम्हें ऐसे बोलने का 1, 4 डिफरेंस -3 ऑड, फिर 1, 9 -8 इवन इस तरह से तुम्हें बोलना है, 1, 6 -5 तुम्हें ऑड, तो तुम जिसमें ऑड बोलोगे ना वो पैर में कनेक्ट करूंगा, ठीक है? ओके चलो, मैंने पहले बोला 1, 4 -3 ऑड, 1, 6 -5 odd, 1, 9 -8 even। तो मैंने 1, 9 को कनेक्ट नहीं किया क्योंकि 1, 9 में डिफरेंस -8 आ रहा है जो इवन है और हमको यहाँ पर डिफरेंस ऑड लाना है। 2, 4 -2 इवन, 2, 6 -4 इवन, 2, 9 -7 odd, वेरी गुड, 3, 4 -1 odd, 3, 6 -3 odd, 3, 9 -6 even, very good, 5, 4 -1 odd, 5, 4 +1 odd, 1 odd, 5, 6 -1 odd, okay, तो वो भी 5, 6 -1 odd आएगा, फिर 5, 9 connect नहीं होगा क्योंकि 5, 9 तो -4 even आ जाएगा। जितने एरोस निकले हैं उतनी पैर्स आएगी, तो मैं एक एक करके शांति से सारी पैर लिखता हूँ। 1, 4 डिफरेंस आ गया 3 या तो -3, 1, 6 डिफरेंस -5 या तो 5 डिफरेंस इसमें ऑड है, बाद में आएगा 2, 9 3, 4 3, 6 3, 4, 3, 6, 5, 4 and 5, 6। अभी यहां पर हम देखने जाते हैं तो हमारे पास 7 पैर्स हैं और 7 एरोस हैं, आप देख काउंट कर सकते हो, फर्स्ट एरो, सेकंड एरो, थर्ड एरो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जितने एरोस हैं उतनी पैर्स होगी, तो ये हो जाएगा रिलेशन आर, उसमें डोमेन हो जाएगा, डोमेन 1, 1 फर्स्ट एलिमेंट डोमेन आपका 1, 2, 3, 5, सेकेंड एलिमेंट आपका रेंज,
रेंज आ जाएगा 469. ये हो गया हमारा सेकेंड लास्ट सम, सम नंबर 3. डोमेन पूछा था और रेंज पूछा और रोस्टर फॉर्म. ठीक है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज. चलो अभी नाइन्थ और आखिरी सम करे, उसके पहले इन लोगों को तुम्हें सजेशन देना हो तो तुम क्या सजेशन देना चाहोगे? ये टॉपिक थोड़े ट्रिकी है, रिलेशन एंड फंक्शन, तो जितना क्लियरली सर ये लर्न करेंगे साथ साथ उतना ही उनको बेनिफिट होगा फर्दर चैप्टर्स में. ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है तो उसके लिए उनको जरूरत पड़े तो ये जो लेक्चर है वो एक और बार देख लेना चाहिए. हमने लगभग सब कुछ क्रिस्टल क्लियर किया है, फिर भी अगर उनको जरूरत पड़े तो एक बार ये लेक्चर आप वापिस देख सकते हैं. और अगर आपको कोई भी डाउट हो कभी भी तो ये हमारे जो फैकल्टी मेंबर है जिनका नाम पार्थ है, पार्थ ठक्कर, उनको ये जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है ये नंबर है 81539487911. ये नंबर पे आप पार्थ ठक्कर को कॉल कर सकते हैं, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं कभी भी. तो जब भी आपको डाउट हो आप ऑन द स्पॉट कॉल कीजिए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा. आपका जो होमवर्क चेक कर दे वो भी पार्ट ठक्कर से चेक कर रहे हैं, और अगर आपको डाउट्स हो तो भी वो आप सॉल्व कर दे. उनको पूछने के बावजूद भी डाउट अगर रहता है तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं और लास्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9. नाइन से लिखा है रिलेशन आर, आर विद रिलेशन ऑन जेड. R is relation on Z. R is from Z to Z. तो यहां पर जो नॉनित, यहां पर जो यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन वो कौन सा है? Z cross Z. यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सारी पेयर्स आ जाए वो आएगा Z क्रॉस Z. जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से आप 25 पेयर्स विजुलाइज कर पाए. यहां पर 5 मेंबर लिखे, यहां पर 5 मेंबर लिखे, तो आप 25 पेयर्स विजुलाइज कर पाए. तो ये जो 25 पेयर्स है उसमें से मैं रैंडमली थोड़ी पेयर्स लिखता हूं. -20, -1, -1, 0, 2. तो ये जो Z क्रॉस Z है उसमें 25 पेयर्स मैंने 3 पेयर्स यहां पर लिखी है, 3 पेयर्स मैंने यहां से लिखी है. उसके अलावा अगर आप थोड़ा आगे सोचे जैसे इसमें आगे जाएंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब कुछ आएगा. इसमें भी आप आगे जाएंगे तो -3, -4, -5 यहाँ पर आगे जाएंगे 3, 4, 5, 6 सब कुछ आएगा. इस तरह की पेयर्स भी हमको मिलेगी, 10, 6 इस तरह की पेयर्स भी हमको मिलेगी, 6, -11 तो हमको बहुत सारी पेयर्स मिलेगी Z क्रॉस Z. अब जो क्वेश्चन में फॉर्मूला मेंशन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि a माइनस बी इंटीजर आना चाहिए. ये हमारा क्वेश्चन रिलेशन r इक्वल टू ए बी सच दैट a बिलोंग्स टू z, b बिलोंग्स टू z और a माइनस बी आपका इंटीजर आना चाहिए. तो मुझे और नवनीत सर उनको तो पता चल चुका है कि z क्रॉस z की जितनी पेयर्स है, z क्रॉस z की जितनी पेयर्स है वो सब पेयर में ये वाला फॉर्मूला सही बैठने वाला है. Z क्रॉस Z की जितनी पेयर्स आपको दिख रही है सभी पेयर्स में a माइनस बी इंटीजर होने ही वाला है. चेक कर लेते हैं, 10, -6, 4 इंटीजर, 0, -2, -2 इंटीजर, 1, -1,
टू इंटीजर, माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू इंटीजर, सिक्स माइनस माइनस इलेवन सेवनटीन इंटीजर। तो ये सब पेयर्स जेड क्रॉस जेड की, वो सभी में ए माइनस बी इंटीजर आएगा। तो आपका सम यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से आपका सम स्टार्ट हो रहा है, ये जहां स्टार किया है वहां से आपका आंसर लिखना है। हियर हियर ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, सो ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। ए आपका इंटीजर है, फर्स्ट मेंबर इंटीजर है, सेकंड मेंबर भी आपका इंटीजर है, और उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ए माइनस बी वो भी आपका इंटीजर आएगा। ये भी इंटीजर 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 इंटीजर, ये जो लास्ट में अंडरलाइन किया है वो ए माइनस बी का आंसर। तो यहाँ पर जेड क्रॉस जेड की सारी पेयर्स वैलिड हो जाएगी। देयरफॉर सरप्राइजिंगली आर कंटेन होल जेड क्रॉस जेड। तो ये हमारा जेड क्रॉस जेड का पूरा जितने भी पेयर्स आएगी जेड क्रॉस जेड की वो सब पेयर्स इसमें आ जाएगा, हजारों करोड़ों लाखों पेयर्स इसमें आ जाएगी। और जब आप डोमेन बनाएंगे डोमेन, तो जो फर्स्ट मेंबर है ये फर्स्ट मेंबर जो जेड में से डोमेन आपका जेड बनेगा। जब रेंज बनाएंगे तो ये सेकंड मेंबर आपका जेड में से आएगा तो आपका जेड बनेगा, और कोड मेन आपका ई आएगा और वो भी आपका जेड बनेगा। तो कोड मेन भी इसका आपका जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेक्चर स्टॉप करेंगे, और आपको होमवर्क में 2.2 पूरा करना है, सारे के सारे सम्स। एग्जांपल्स आपको करने हैं, एग्जांपल्स आपको करने हैं 789, ये तीन एग्जांपल आपको करने हैं 789। और जो हमने गूगल क्लासरूम में पेपर लिखा हुआ है, पेपर जो गूगल क्लासरूम में सबमिट किया है वो आपको एकदम ध्यान से करना है, तो आपका रिलेशन टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर रखेंगे नवनीत सर, स्टॉप रिकॉर्डिंग, थैंक यू।